वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वीडियो हम बात कर रहे हैं अर्थिंग के बारे में। फ्रेंड्स अर्थिंग जो है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कन्वेंशनल अर्थिंग के बारे में फ्रेंड्स, और साथ ही साथ बात करें केमिकल अर्थिंग के बारे में। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग यहाँ पर दो कन्वेंशनल अर्थिंग के रूप में यूज किया जाता है। आपको भी पता है फ्रेंड्स हमारे घरों में या फिर भवन निर्माण में या फिर कहीं ऑफिस या फिर कोई कारखाना फैक्ट्री हो कोई भी इस तरह के काम करने वाला जगह है वहाँ पर हम यहाँ पर कन्वेंशनल अर्थिंग और केमिकल अर्थिंग दोनों का यूज करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली कन्वेंशनल अर्थिंग के बारे में जिसमें हम स्पेशली फोकस करेंगे प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। ठीक है तो चलिए फिर देर ना करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें कन्वेंशनल अर्थिंग में प्लेट अर्थिंग के बारे में। तो यहाँ आपको तीन स्टेप को फॉलो करना होगा अगर आपको प्लेट अर्थिंग को इंस्टॉल करना है तो अपने घरों के पास। ठीक है फ्रेंड्स तो सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में है आपको पिट डिजाइन करना होगा। पिट यानी डिजाइन करना यानी गड्ढा को खोदना होगा। तो गड्ढा खोदना होगा तो किस डायमेंशन आपको गड्ढा खोदना होगा ये मैं आपको बता दूं। तो गड्ढा सबसे पहले आप खोदेगा यहाँ पर लेंथ मेंशन करके, लेंथ यहाँ पर 90 सेंटीमीटर का आपको गड्ढा खोदना होगा लेंथ में, और उसका बड़ाई होनी चाहिए ब्रेथ होनी चाहिए यहाँ पर 90 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसकी हाइट होनी चाहिए यहाँ पर 1.5 मीटर टू 3 मीटर तक। ठीक है फ्रेंड्स तो ये आपको ये तीन डायमेंशन आपको याद रखना होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तभी आप इस गड्ढे को खोद सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स तो आप ये इस मेजरमेंट में आपको गड्ढे को खोद लेना है। ठीक है फ्रेंड्स उसके आपको क्या करना है सेकेंड स्टेप में आपको प्लेट को वर्टिकली इंस्टॉल करना है। ठीक है फ्रेंड्स और यहाँ पर बात कर लो प्लेट को वर्टिकली इंस्टॉल करना है लेकिन प्लेट का डायमेंशन यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो प्लेट का डायमेंशन आपको याद रखना होगा कॉपर के केस में क्या होगा फ्रेंड्स, कॉपर के केस में होने वाला है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर का लंबाई, 60 सेंटीमीटर की चौड़ाई, और यहाँ पर 3.15 मिलीमीटर का इसकी मोटाई होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स तो यह होगा कॉपर के केस में। और आपको अगर मैं बात करूँगा जीआई के केस में क्या होगा फ्रेंड्स, तो जीआई के केस में होने वाला है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर की लंबाई, 60 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई और 6.30 mm जो होगी इसकी मोटाई होने वाली है जीआई के केस में। जीआई केस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जीआई मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो यहाँ पर आपको दो वेरिएशन मिल जाता है प्लेट अर्थिंग में, एक कॉपर होता है एक जीआई होता है। ठीक है फ्रेंड्स तो बाकी से आपको ऐसे ही रहेगा। ये रहा आपका फनल, ये है फ्रेंड्स आपका फनल। तो आप ये फनल होता है, फनल के थ्रू आप इसमें पानी डाल सकते हैं। यहाँ पर चारकोल है, आप इसको चारकोल को यूज़ में आता है जैसे कि आपके नमी बनाए रखता है ये आपको प्लेटों के चारों ओर। ठीक है तो यहाँ पर 8 किलो से अबव आपको यहाँ पर चारकोल और नमक का कॉम्बिनेशन लगने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स आपको ये चीज़ थोड़ा बहुत आपको पैरामीटर्स याद रखना पड़ेगा अगर आप अर्थिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो। और यहाँ पर ये कम से कम 15 मीटर की मोटाई का ये मतलब उसका लेयर का है, चारकोल नमक का लेयर रहना चाहिए। और इसके ऊपर जो यहाँ पर ये जो है ये आपका सीमेंट का एक बॉक्स बना हुआ है और इसके ऊपर एक कास्ट आयरन की ये ढक्कन आप कह सकते हैं कवर कह सकते हैं ये लगी हुई होती है। ठीक है तो ये होता है कंप्लीट एक प्लेट अर्थिंग। ठीक है और इसमें एक प्लेट इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है जैसे कि आपको पता है। ठीक है तो ये तो हुआ आपका कंबाइंड एक कंप्लीट प्लेट अर्थिंग। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं पाइप अर्थिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स पाइप अर्थिंग में भी आपको तीन स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप में आपको पिट डिजाइन करना है यानी कि पिट का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, आपको कितना गड्ढा खोदना है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पिट का डायमेंशन यहाँ पर डिसाइड करना होगा। तो पिट का डायमेंशन कुछ इस तरह होता है पाइप अर्थिंग में। तो पाइप अर्थिंग में लेंथ का डायमेंशन होता है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई का डायमेंशन होता है 30 सेंटीमीटर और इसकी हाइट का डायमेंशन होता है 2.5 मीटर टू 3 मीटर तक। ठीक है तो ये होता है आपकी लंबाई चौड़ाई और हाइट। ठीक है और यहाँ पर भी आप कॉपर का पाइप यूज़ कर सकते हैं एज ए इलेक्ट्रोड जो होता है पाइप इलेक्ट्रोड, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं जीआई का। ठीक है फ्रेंड्स तो अगर आप कॉपर के चाहे तो यूज़ करें या तो जीआई का यूज़ करें तो इसमें बहुत सा वेरिएशन मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर इसका एक जो पाइप है इस पाइप का डाया मिनिमम आपको बता दे रहा हूँ कितना होना चाहिए, 50 मिलीमीटर डाया होना चाहिए और लेंथ होना चाहिए 3 मीटर का। ठीक है फ्रेंड्स ये जो इसका लेंथ होना चाहिए पाइप की वो तीन मीटर की होनी चाहिए और इसकी जो डाया होनी चाहिए वो 50 मिलीमीटर की होनी चाहिए, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में आपको ये आप जब पीट डिज़ाइन कर लोगे उसके बाद आप इस पाइप को यहाँ पर पाइप इलेक्ट्रोड को जब यहाँ पर इंस्टॉल करोगे सेकेंड स्टेप में, तो इस यहाँ पर थर्ड स्टेप में क्या आ जाता है इस इंस्टॉल किए हुए पाइप को वर्टिकली आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पर नमक और चारकोल जो है इसको यूज़ मिलाना, उसके मिक्सचर को यूज़ मिलाना, आप चाहते सेंड भी इंक्लूड कर सकते हैं साथ साथ। वो क्या करता है नमी को बनाए के रखता है, पानी को इधर उधर ज़्यादा जाने नहीं देता, वो सोख के रखता है, एब्जॉर्ब करके रखता है
अपने पास, तो ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं नमक और सेंट। तो इसका भी सेम सिचुएशन है कि आपको यहाँ पर 50 सेंटीमीटर का लेयर होना चाहिए चारकोल और नमक का, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा यहाँ भी नमक और चारकोल अबव 8 kg लगने वाला है। और यहाँ पर कास्ट आयरन का ये देखिए ढक्कन रहता है, कास्ट आयरन का ढक्कन ये भी यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो होता है ये वायर निकालने के लिए होता है, ये ग्रीन कलर की जो वायर होती है अर्थिंग की वायर होती है, निकालने के लिए यूज़ में लाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया पाइप अर्थिंग और ये हो गया आपका प्लेट अर्थिंग, ठीक है। अब आप सोचेंगे कौन बेस्ट है, चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं एज ए कैलकुलेशन करके हम इन चीज़ों को समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कॉपर प्लेट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्लेट इलेक्ट्रोड कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए आर जो आपका प्लेट रेजिस्टेंस जो है आर रेजिस्टेंस ऑफर करता है ये कॉपर का प्लेट, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, आर इक्वल टू यहाँ पर होगा रो बाई ए रूट अंडर पाई बाई ए ओम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर ये प्लेट का रेजिस्टिव वैल्यू निकलेगा, कितना इसका रेजिस्टिव वैल्यू है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपका इस प्लेट का डायमेंशन क्या है, 1.2 मीटर लेंथ है इंटू 1.2 मीटर इसकी चौड़ाई है इंटू 3.15 मिलीमीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और सपोज करना होगा, यहाँ पे सॉइल रेसिस्टिविटी की वैल्यू आपको सपोज करके चलना होगा। तो यहाँ पर सॉइल रेसिस्टिविटी की वैल्यू होगी 100 ओम मीटर। चलिए हम यहाँ पर इसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें रो की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, एरिया की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एरिया का। तो एरिया आप कैसे निकालेंगे, 1.2 इंटू 1.2 इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1.44 हो जाएगा। फिर प्लस कर देंगे क्योंकि एक साइड के आमने सामने के दो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपस में बराबर होते हैं रेक्टेंगुलर केस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 1.44 हो जाएगा। अब इसे हम एरिया को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट एरिया निकल के आएगा 2.88। तो ये आपका एरिया निकल के आ गया, आपको जस्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। तब रो ए और इसमें अप्लाई करोगे, इसका आपको रिजल्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो रिजल्टेंट इसका आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप पाइप अर्थिंग का देख लेते हैं, पाइप अर्थिंग का क्या हो रहा है। पाइप अर्थिंग के समय इसका फॉर्मूला आता है R इक्वल टू, यानी कि फ्रेंड्स ये जो पाइप क्या रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो इसके बारे में R इक्वल टू क्या होगा, तो R इक्वल टू होने वाला है यहाँ पर 100 रो बाय A log 4 L बाय D। ओके फ्रेंड्स, तो ये है फॉर्मूला, ओम में आएगा आंसर। तो यहाँ पर आपको अगेन एरिया नहीं कैलकुलेट कर लेना है, एरिया कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो आपका एरिया कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर आने वाला है, आपको यहाँ पर क्या करना है फिर कैलकुलेशन कर देना। जब आप आर रो की वैल्यू रख दोगे, रो की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर रो की वैल्यू कितनी थी, सोलर रेजिस्टिविटी सेम मान लीजिए रो की वैल्यू 100 ओम है, आप 100 ओम मीटर को ले सकते हैं रो की वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर लॉग 4 एल डिवाइड डी कर देंगे, एल की वैल्यू को पता है फ्रेंड्स, एल की वैल्यू यहाँ पर है 3 मीटर, क्योंकि मैं बताया था कि 2.5 टू 3 मीटर है, तो आपको एल की वैल्यू यहाँ पर 3 मीटर रख लेना है। और यहाँ पर डी जो है 50 mm की ये पाइप है, तो आपको 50 mm की एक पाइप को ले लेना है। तो यहाँ आपको पता है एल इक्वल टू हो गया 3 मीटर, डी यानी कि डायमीटर जो हो गया इसका 50 mm हो गया। तो यहाँ आप इस पर अप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे वैल्यू आने वाला है आर की 29.09 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इससे आपको पता चल रहा है यहाँ पर ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, इससे आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो ऑब्वियस फ्रेंड्स यहाँ पर दिख पा रहे हैं यहाँ पर प्लेट की रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाइप अर्थिंग के। तो यहाँ पर पाइप अर्थिंग कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा प्लेट अर्थिंग के फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि केमिकल अर्थिंग क्या होता है इसके बारे में डिटेल से। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दे लाइक, हमारे चैनल कर दे सब्सक्राइब, और इस तरह के और वीडियोज़ पाने के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही।